सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में बताने वाले हैं कि आप कोई भी कपड़े के फोल्ड्स बनाते हो या कैसा भी आप कपड़ा बनाते हो तो वो कैसे बनाओ। और सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है वो, चाहे मैनुअल हो चाहे वो डिजिटली हो, सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट होता है वो कपड़ा बनाना होता है। कपड़े के जो फोल्ड्स होते हैं वो जिस जिस तरह से, मतलब जो बॉडी शेप है या जो जो भी बॉडी का जो फ्लो है उस हिसाब से कपड़े स्ट्रेच होते हैं और उसी हिसाब से कपड़े बॉडी पे फिट होते हैं। तो बहुत टाइप के कपड़े भी होते हैं, बहुत टाइप के क्लोथ्स भी होते हैं, तो जिसकी वजह से थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज होती है क्लोथ ड्रॉ करने में। आज की वीडियो में बताना है कि आप कैसे कोई भी क्लोथ ड्रॉ करो। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आप कोई भी फिगर आपने ड्रॉ किया हुआ है और उसको आप क्लोथ पहनाना है, तो जो भी आपका जो जिस भी शेप में या जिस भी पोज में आपका जो फिगर है उसी हिसाब से उसके ऊपर आप जो आपके क्लोथ हैं वो ड्रॉ कर लिए, एंड उसके बाद फिर आप उसको कलर कर सकेंगे। तो चलिए हम कुछ ड्रॉ करते हैं। और आपको किसी भी टाइप का कपड़ा बनाना है, आपको मेन है आपको फोल्ड्स पे ध्यान देना, जो कि आपको इस वीडियो में बता देंगे अच्छे से। आपको इतना डिटेल में स्केच करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको इतना डिटेल में स्केच करने की ज़रूरत भी नहीं होगी। जब आप थोड़ा सा जो मटेरियल है क्लोथ है जब उस पर आप स्टडी कर लेंगे तो आपको इतना डिटेल में स्केच करने की ज़रूरत भी नहीं होगी, वो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि किधर से फोल्ड्स जाएंगे। तो थोड़ा सा आपको उस पर स्टडी करनी पड़ेगी, लेकिन बेसिक तरीका है वो हम आपको बता दे रहे हैं, ताकि आप अभी स्टार्टिंग में आप कोई भी अगर आपको क्लोथ ड्रॉ करना हो और उसको कलर करना हो तो कैसे करें। तो ये कुछ थोड़ी बहुत डिटेल देनी ही पड़ेगी। आप कोई रेफरेंस ले सकते हो, रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप उसको ड्रॉ कर सकते हो। तो ये कुछ इस तरह से हम लोग ने कपड़ा ड्रॉ कर लिया है, एंड इसको कलर कैसे करना है, अगर आप फोटोशॉप पे काम कर रहे हो तो भी सेम प्रोसेस है और इस पर भी सेम प्रोसेस है कलरिंग का। तो अभी जो मैं सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ वो प्रोक्रिएट है, आप जाके देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और उसका मैंने हिंदी में ट्यूटोरियल पूरा बनाया हुआ, आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हो। और जो फोटोशॉप पे भी काम कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो हम कोई भी कलर पिक करेंगे एंड इस पर एक फ्लैट कलर फिल कर देंगे, इसके नीचे एक लेयर बनाएंगे जो कि ऑलरेडी बना ली है। ये हमने फ्लैट कलर फिल कर लिया है और अब हम इसमें डिटेल देते हैं थोड़ी। कलर आपको अगर चेंज करना है तो आप फोटोशॉप पे कंट्रोल यू दबाओगे तो कलर चेंज होने का ये कंट्रोल यू से आ जाएगा। आप ह्यू को चेंज करेंगे तो कलर चेंज हो जाएगा। तो बाकी हम कलर इसी से ही बनाते हैं। तो अब कलरिंग स्टार्ट करते हैं। कलरिंग पे हम लोग कुछ चीज़ों का ध्यान देना होगा कि पहले हम जितने भी डार्क टोन हैं वो लगा लेंगे। आप ब्रश अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, एयर सॉफ्ट ब्रश सबसे सही होता है। तो कुछ हम लोग इस तरह से एक फ्लैट कलर स्केच कर लेंगे ताकि जो हमारा स्केच वाली जो लेयर है वो फ्री हो जाए, ताकि हम लोग और डिटेल में काम कर सकें। तो चाहे थोड़ा सा और डार्क ले लिए।
कुछ इस तरह से, और फिर हम लोग जो स्केच वाली लेयर है वो ऑफ कर देंगे। ये ऑफ कर दिया और ये हमारे पास एक स्केच हो गया। अब इसको हम लोग फाइन करते हैं। लेयर हमने लॉक कर दी ताकि कलर जो है वो बाहर नहीं निकलेगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। एक बेसिक कलरिंग के बाद अगर आप थोड़ा सा और उस पर वर्क करना चाहते हैं और एकदम जो प्रॉपर जो लाइट और डेप्थ होती है उसको कैसे मतलब सही से करें, तो उसके लिए आप क्या करो, आप एक कहीं भी जो लाइट सोर्स है वो आप ड्रॉ कर लो ताकि आपको इंडिकेट होता रहे कि हाँ जो लाइट सोर्स है वो इधर से आ रही है। जैसे मैंने लाइट सोर्स बना लिया कि जो लाइट सोर्स है वो इधर से नहीं, इधर से थोड़ा सा ये लाइट सोर्स है मेरा, ठीक है। तो अब हमें इजी रहेगा उसको और डिटेल में काम करने के लिए। जैसे कि हमने जो लाइट है वो इधर से दिखाई है तो कुछ इस तरह से, ये बेसिक है ताकि आपको ये पता चल जाए कि अगर इस तरह का कोई काम है तो उसमें लाइट कैसे डालते हैं। और बहुत सही ये टेक्निक है लाइट डालने की, क्योंकि होता क्या है, लाइट अगर आप जिस टाइम लाइट टिप पे काम करते हो, जिस टाइम आप लाइट वगैरह डाल रहे होते हो, डेप्थ वगैरह डाल रहे होते हो, उस टाइम क्या होता है कि हर जगह पर, क्योंकि लाइट डालना बहुत सही लगता है, तो होता है कि हर जगह पर फिर लाइट का ही काम होने लगता है। तो ये हमें इंडिकेट करता रहेगा कि हाँ जो लाइट सोर्स है वो यहीं तक है और आपको यहीं तक मेंटेन करके चलना है। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। और जहाँ पे लाइट सोर्स होता है वहाँ पे हमेशा डार्क ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे हम डेप्थ बढ़ा देंगे। लाइट सोर्स जैसे ही डलता है हमें कमियाँ पता चलने लगती हैं, तो इस तरह से आप यहाँ पे ज़्यादा डार्क कर दोगे। ये एरिया भले फ्रंट का है लेकिन यहाँ पे डेप्थ इसलिए क्योंकि जो ये राउंडनेस है ये कुछ ज़्यादा ही है, तो जिसकी वजह से हमें यहाँ पे डेप्थ, क्योंकि लाइट सोर्स एकदम यहीं पर ही है तो जो डेप्थ होती है वो कम होती चली जाएगी यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ पे थोड़ी और बढ़ेगी लेकिन ये जो राउंडनेस है यहाँ पे डेप्थ हमें ज़्यादा डालनी पड़ेगी क्योंकि जो लाइट का जो सोर्स है वो डायरेक्ट यहीं पर ही पड़ रहा है, ठीक है। और बाकी अब हम इसमें और डिटेल डालते हैं। लाइट मेन था वो आपको बता दिया। तो ये जो हमारा क्लोथ था वो कंप्लीट हो गया और ये इस तरह से कुछ पेंट होगा। और इसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है क्लोथ बनाते टाइम, आपके जो फोल्ड्स होते हैं उनकी डेप्थ जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जो सॉफ्टनेस होती है क्लोथ की वो चली जाती है और क्लोथ जो होता है वो सॉफ्ट नहीं लगता है। तो
तो इसके लिए हमें एक चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान देनी कि अगर कभी भी आप डार्क कलर लगा रहे हैं तो डार्क कलर लगाते टाइम एकदम भी मत डरें। जो ये जो आप डार्क कलर होता है ये लगाते टाइम एकदम मत डरें, क्योंकि जब कोई डार्क कलर लगाता है ना तो उसको जो अपना वर्क होता है वो गंदा लगने लगता है। बस ये ध्यान रखिए कि उसको मर्ज बहुत ही अच्छे से करना है, जैसे कि हमने जो यहाँ पर जो लाइट डाली है ये होती है, इसको कहते हैं रिंग लाइट। जो भी हमारे जो ऑब्जेक्ट होता है, जो फोटोशूट होता है, कुछ इस तरह का जो काम होता है, तो उस पर जो रिंग लाइट होती है वो ये होती है, और इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन लाइट। कि जो बैकग्राउंड में जो जिस कलर का भी कोई चीज़ रखी है या ग्रीन स्क्रीन लगी हुई है, कुछ भी ऐसा ऑब्जेक्ट है, उसका रिफ्लेक्शन हमारी जो ऑब्जेक्ट होता है उस पर आता है, तो ये होती है आपकी रिफ्लेक्शन लाइट। तो ये होती है आपकी रिफ्लेक्शन लाइट और ये होती है आपकी रिंग लाइट। ये यहाँ पे डार्क इसलिए किया गया है, ये जो एरिया आप देख रहे हैं, क्योंकि जो इसकी राउंडनेस है, जो फोल्ड की जो राउंडनेस है, ये जो फोल्ड की राउंडनेस है वो ज़्यादा है, और जब ये राउंडनेस है तो यहाँ पे लाइट डायरेक्ट पड़ी और यहाँ पे अंदर चली गई, तो जो लाइट है वो कट गई, इसलिए यहाँ पे डार्क ज़्यादा रहेगा। बाकी जितनी आगे लाइट बढ़ती जाएगी उतनी लाइट कम होती चली जाएगी, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो, और ये जो आपके डार्क कलर हैं इसको लगाने से कभी मत डरें, मेन यही होती है, डेप्थ यही लाती है, और इसको बस सॉफ्ट ब्रश से आपको मर्ज करना होता है। तो ये टेक्निक होती है कोई भी फोल्ड ड्रॉ करने की, अगर आपको एक रफ तरीके से बताऊं कि ये आपका कलर है एंड इसको फोल्ड्स में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल है, एक मिड टोन लेके अब ये अभी फोल्ड नहीं लगेगा, ठीक है, ये कपड़े का फोल्ड नहीं लगेगा जब तक हम इसमें कोई डार्क कलर एकदम ना रखें, क्योंकि जो इसके कॉर्नर वाले जो नीचे के जो एज होते हैं उनको डार्क रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनको जितना डार्क करते जाएंगे बस इनको मर्ज बहुत ही अच्छे से करना होता है, ये है, इनको मर्ज करते जाओ। ये कुछ इस तरह से, ठीक है, टेक्निक यही होती है ड्रॉ करने की। तो गाइस वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड थैंक यू।